मिली है ज़िंदगी तो कुछ मकसद भी रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना तो ज़िंदगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मेजर प्रदीप खरे एक अनोखी कहानी के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब भी कोई आईएएस ऑफिसर की बात होती है तो आपके मन में कैसी छवि आती है? एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ, बहुत ही अथॉरिटी की पोजीशन, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत बड़ा बंगला। जी हाँ, ये एक छवि होती है आईएएस ऑफिसर की। लेकिन आज की हमारी सच्ची कहानी के जो नायक हैं वो एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया, लोगों की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी एक फुल साइज़ की मूर्ति बनाकर लगाई गई। आपने देखा होगा आमतौर पर किसी भी शहर में या कस्बे में मूर्तियाँ लगी होती हैं, लेकिन किसकी? या तो किसी राजनेता की या किसी देवी देवताओं की। एक आईएएस ऑफिसर की मूर्ति लगाना एक बहुत रेयर चीज़ है। हम बात कर रहे हैं एसआर शंकरन। जी हाँ, एसआर शंकरन का जन्म थंजावुर तमिलनाडु में हुआ था। ये बचपन से ही महात्मा गांधी, विनोबा भावे, भीमराव अंबेडकर के जीवन से बहुत प्रभावित थे। इनके मन में ये लालसा थी कि हम गरीब वर्ग के लोगों के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। और इसी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के उनके मन में ये धारणा बनी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। शुरू में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एक टीचिंग जॉब ली अमेरिकन कॉलेज मदुरई में। इसके साथ साथ ही आईएएस की परीक्षा की तैयारी की और 1956 में उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। जी हाँ, उसके बाद जो उनको सफ़र शुरू हुआ समाज सेवा का, वो आईएएस ऑफिसर भी एक अलग प्रकार के थे। देखने में बिल्कुल दुबले पतले, शॉर्ट हाइट थी उनकी और बहुत सिंपल ड्रेस पहनते थे, बुशर्ट और पैंट। उनको देख करके कोई सहज में आदमी ये अंदाज लगाता है या कोई टीचर होंगे। उनकी बातचीत का लहजा बहुत ही विनम्र था, कोई उनकी बातों में रौब नहीं होता था। इसके चलते उन्होंने जब एक कलेक्टर के पद पर थे तो उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो अचानक दौरे पर चले जाते थे विज़िट करने के लिए, कभी कोई स्कूल में, कभी किसी कॉलेज में, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी कोई पब्लिक प्लेस में जहाँ लोगों से मिला करते थे। खासतौर से गाँव में जाते थे, ट्राइबल एरियाज में जाते थे और बिना कोई पूर्व सूचना के जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर पहले से लोगों को सूचना मिल जाएगी तो पूरा इंतज़ाम हो जाएगा, वहाँ पूरी साफ सफाई हो जाएगी और जो असलियत है वो छुप जाएगी। तो उनका उद्देश्य था अचानक जाना और जाकर के जो आम आदमी हैं उनसे बात करना। उनकी नब्ज़ पहचानते थे, वो उनकी प्रॉब्लम सुनते थे, उनसे बातें करके जानते थे कि कैसा चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। और जो फीडबैक मिलता था उसके आधार पर वो अपने संबंधित अधिकारी थे उनको आदेश दिया करते थे। उन्होंने दो बहुत बड़े काम किए अपनी सर्विस के दौरान। एक तो आपको याद होगा मैनुअल स्केवेंजिंग की प्रथा थी, सिर पर मैला ढोने की। ये प्रथा लोगों को बहुत नीचा दिखाती, बहुत परेशान करती थी। तो शंकरन साहब ने इस प्रथा को ख़त्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वहाँ पर एक संगठन था आंध्र प्रदेश में, सफाई कर्मचारी आंदोलन, वो इसके साथ जुड़ गए, इसको सहयोग देते थे और इसके द्वारा जो निम्न वर्ग के लोग थे खासतौर SC ST के, उनको बहुत अपलिफ्ट करते थे। एक और जो प्रथा थी उस टाइम बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरों की प्रथा थी, उस टाइम उन्होंने उस प्रथा का भी विरोध किया और उसको समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। शंकरन साहब वेजिटेरियन थे और
उनको समाज सेवा के प्रति इतनी ज़्यादा लगन थी, इतनी लालसा थी कि उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने सोचा कि अगर शादी कर लेंगे तो परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी और शायद मैं उतना पूरा समय अपने इस मिशन के लिए ना दे पाऊँ जो समाज को सुधारना, उत्थान करना। इसलिए वो आजन्म कुंवारे रहे। ना सिर्फ ये, वो जो अपनी सैलरी होती थी उसका अधिक भाग डोनेट कर दिया करते थे गरीबों के लिए, ऐसी संस्थाओं के लिए जो गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। एक समय की बात है, आंध्र प्रदेश में नक्सलाइट्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था और नक्सलाइट्स ने एक बार 7 अफसरों को अपहरण कर लिया, उसमें शंकरन साहब भी थे। लेकिन देखिए, नक्सलाइट्स को भी खबर थी कि शंकरन साहब जो कार्य कर रहे हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को, गरीबों के लिए, उत्थान के लिए कितना कार्य कर रहे हैं। तो उनको 3 दिन बंधक बनाकर रखा, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनको रिहा कर दिया। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। शंकरन साहब का विचार था, वो हमेशा गरीबों को उत्थान के लिए कार्य करते थे। उनका अपना कोई सेल्फिश मोटिव नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी उन्होंने और यहाँ तक वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल भी बहुत लिमिटेड करते थे। जब भी कोई ऑफिशियल वर्क में जाते थे ड्यूटी में, तब वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, वरना अपने पर्सनल काम के लिए, व्यक्तिगत कार्यों के लिए जाते थे तो वो अपने ओर से गाड़ी का इंतज़ाम करके जाते थे। इतना ज़्यादा ऑनेस्ट व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। वो अपने सिद्धांतों पर अटल थे, किसी के प्रेशर में नहीं आते थे। इसी के चलते एक समय ऐसा आया जबकि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से उनकी अनबन हो गई, टकराव हो गया और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उनको छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया, प्रोसीड ऑन कंपल्सरी लीव। लेकिन इस समय तक शंकरन साहब की ख्याति पूरे देश में फैल चुकी थी, किस तरह का वो काम करते हैं, किस तरह के अनोखे तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसके चलते त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर श्री नृपेन चक्रवर्ती ने उनको न्योता दिया और उन्हें त्रिपुरा का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया, सबसे सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होता है जो। यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार घटना है, जब वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फ्लाइट से त्रिपुरा पहुँचे तो वहाँ पर जैसे कि आमतौर पर उम्मीद की जाती है, जब चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं तो पूरा अफसरों का अमला, एक पूरा ग्रुप और गाड़ियाँ, कई सारी गाड़ियाँ उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँची। लेकिन शंकरन साहब बिल्कुल सिंपल ड्रेस में थे, उनकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल सिंपल थी। वो धीरे से एयरपोर्ट से उतरे और एक सूटकेस जो उनका था लगेज से वो सूटकेस लिया और धीरे से वो एयरपोर्ट के बाहर निकल गए। किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि ये शंकरन साहब हैं। उसके बाद जानते हैं कहाँ गए, एक रिक्शा स्टैंड था पास में, रिक्शा स्टैंड पे गए और एक रिक्शे वाले से उन्होंने बोला कि चीफ सेक्रेटेरिएट चलना है और उससे जो किराया भाड़ा था वो तय करके रिक्शे में बैठ गए। अब यहाँ पर जो अमला आया हुआ था उनको रिसीव करने के लिए, वो सारे में ढूंढ रहे, काफ़ी पैसेंजर्स निकल गए तो वहाँ तो खलबली मच गई कि भाई चीफ सेक्रेटरी तो वहाँ से फ्लाइट बोर्ड कर लिया है और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे कहीं। चारों तरफ खोजबीन शुरू हो गई। इसी में एक पुलिस वाला जो ड्यूटी पर था वह रिक्शा स्टैंड के पास, उसने बताया कि एक सज्जन आए हैं और वो रिक्शे में बैठ गए और कह रहे हैं सेक्रेटरीट जाना है। तो जो भी प्रोटोकॉल ऑफिसर थे वो तुरंत गए वहाँ पर और उनसे पूछा कि आप शंकरन साहब हैं। जब उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने उनको बहुत निवेदन किया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए, आपके लिए हम पूरी कार लेकर आए हैं रिसीव करने के लिए, आपको ढूंढ रहे हैं बहुत देर से। बहुत विनती करने के बाद शंकरन साहब तैयार हो गए उनके साथ जाने के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात रखी, वो रिक्शे वाले को पूरा पेमेंट जो तय किया था वो उन्होंने दे दिया। रिक्शे वाला भी ये चीज़ देख करके चौंक गया, उसके तो बड़े सौभाग्य कि चीफ सेक्रेटरी उनके रिक्शे में आकर बैठा। इससे प्रभावित होकर के रिक्शे वाले ने आधा किराया उनको वापस कर दिया। उन्होंने कहा और कोई सवारी मिल जाएगी मुझे, आधा किराया आप वापस ले लीजिए। इसके बाद
उन्होंने त्रिपुरा में बहुत अच्छा कार्य किया और पूरे देश में उनकी तो ख्याति फैल गई थी। इसके बाद 2005 में भारत सरकार ने उनको बहुत अच्छा कार्य देखते हुए पद्म भूषण अवार्ड दिया। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ही मज़ेदार बात हुई। एसआर शंकरन साहब ने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा ये तो मेरी ड्यूटी थी, जो भी मैंने काम किया है इट्स अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, और इसके लिए मैं कोई अवार्ड नहीं ले सकता हूँ। ऐसे लोग भी बिरले होते हैं, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इतने बड़े अवार्ड को लेने से मना कर दे। इन सब कारण से उनको लोग मालूम क्या कहते थे, पीपल्स आईएएस ऑफिसर। लोग इतना प्यार करते थे उनको। और इसके बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वहाँ पर हैदराबाद में दामोदर संजीवैया संक्षेमा भवन, ये एरिया है जहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, और इसके ठीक सामने वो स्टैच्यू बनाई गई, लाइफ साइज स्टैच्यू एसआर शंकरन साहब की, जो आज भी मौजूद है। और वो स्टैच्यू इस बात का प्रतीक है कि उनको कितना सम्मान दिया जाता है। 2010 में दिल का दौरा पड़ने से शंकरन साहब का निधन हो गया। लेकिन ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं उसके कारण वो लोगों के दिल में हमेशा रहते हैं। तो आज की सच्ची कहानी से हमने और आपने ये सीखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है, उनकी भलाई करता है अपना कोई स्वार्थ लिए बिना, तो उसको लोग बहुत प्यार करते हैं, दिल में जगह देते हैं। और ये जीवन ऐसा होता है जिसका अंत नहीं होता है। इस जीवन से प्रभावित होकर के और भी लोग ऐसा काम करते हैं। तो मुझे आशा है हम और आप भी कहीं ना कहीं मौका ढूंढ करके इस तरह के कामों में अपना योगदान देंगे और अपनी जगह बनाएंगे। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में।